सब्सक्राइब कीजिए अमीन इन्फो को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा IIM अहमदाबाद में जो FPM यानी फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, जो 2019 सेशन के लिए एडमिशन के जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आपको IIM अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, तो वहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर FPM का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो नीचे जब आप आएंगे तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो सारा आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें स्पेशलाइजेशन है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो FPM जो है डॉक्टरल प्रोग्राम है और जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस किस स्पेशलाइजेशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, पब्लिक सिस्टम, मार्केटिंग वगैरह। तो पहले आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर देते हैं कि इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री जो होगा मिनिमम 3 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री वाली होनी चाहिए। इसके अलावा या फिर आपके पास 5 ईयर या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और या फिर आपके पास जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है CA हो गया, CS हो गया, ICWA होनी चाहिए 55% मार्क्स। या फिर दोस्तों 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री होती है वो भी आप अगर आपके पास है 60% मार्क्स के साथ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कंडीशन की बात करें तो जो भी आपके पास डिग्री है चाहे वो मास्टर हो बैचलर हो, तो वो जो आप डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और जो आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए यानी 12+ OP कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से इसमें होना कंपलसरी है। कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर मास्टर बैचलर प्रोग्राम दैट वुड मेक देयर एलिजिबल कैन ऑल्सो अप्लाई। सच कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड विल बी अलाउड टू ज्वाइन द प्रोग्राम प्रोविजनली ओनली इफ दे सबमिट अ सर्टिफिकेट लेटेस्ट बाय June 30, 2019। मतलब जो फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना चाहिए तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, रिक्वायर्ड मार्कशीट है और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो भी इसमें आपको अप्लाई करने होंगे, और जो प्रिंसिपल हेड का जो आपका कॉलेज का होगा उससे आपको एप्लीकेशन लिखानी होगी कि जो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच कर रही है, मतलब जो भी 50% या 55% क्राइटेरिया है वो आपकी मैच कर रही है। बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की करें तो कैंडिडेट अप्लाइंग टू द FPM आर रिक्वायर्ड टू टेक द कैट और स्टैंडर्ड टेस्ट इन लीव ऑफ कैट फॉर NRI एंड फॉरन स्टूडेंट दिस स्टैंडर्ड टेस्ट इज द GMAT। मतलब कैट या फिर कोई भी कैट के अलावा आपके पास ने आपने टेस्ट दे रखा है एंट्रेंस एग्जाम तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर नॉट रिक्वायर्ड इफ एन एप्लीकेंट इज PGP alumni ऑफ एनी IIM यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने कर रखा है IIM से तो आप उसमें अप्लाई तो आप मतलब इसमें बिना कराए अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने कैट एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट हैं कैट के अलावा तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो इसमें आपको GRE या GMAT या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सेम इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने कैट का एग्ज़ाम 2016, 2017 या 2018 तीनों सालों में कभी भी दिया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो तीनों के स्कोर आपके वैलिड माने जाएंगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एट अहमदाबाद ड्यूरिंग मार्च अप्रैल के टाइम पे आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस सारा ऑनलाइन है, आप जो IIM अहमदाबाद की वेबसाइट है वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, तो नीचे जब आप आएंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर FPM एडमिशन 2019 तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी अप्लाई करने की। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और उसमें सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं आपकी वो फुलफिल करनी होगी। वो फुलफिल करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन पेज पे जाके अपना जो भी डिटेल होगी उससे लॉगिन करना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो उसको करने के बाद सारी जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी।
₹500 इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। और दोस्तों इसके अलावा जो भी आपकी क्वारीज होंगी तो वो आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के कॉलम में, तो वहाँ पर जाकर सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।